बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू द हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। तो जब अब क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, तो क्या बाकी क्या उसने कहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है उसकी हाफ कर दी। करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू भी हाफ आएगी। आप जो फार्मूला है वो याद रखना, ओम्स लॉ का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। तो वोल्टेज हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन वाला, कि जो उसमें अलॉय क्यों यूज़ किया जाता है एज अ कम्पेयर टू द प्योर मेटल। अलॉय इसलिए यूज़ किया जाता है कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और जो उसका जो टेम्परेचर है हाई, एट हायर टेम्परेचर्स पे वो कभी बर्न नहीं करता, इसलिए लोहे को यूज़ किया जाता है। आगे क्या है आपका? टेबल नंबर 12.2 है बुक पे एनसीईआरटी की। तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्या हैं? विच अमंग द आयरन एंड द मर्करी इज बेटर कंडक्टर। इन दोनों में से कौन सा बेटर कंडक्टर है? आयरन जो है वो बेटर कंडक्टर है क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो लेस होती है देन एज़ कम्पेयर टू द मर्करी। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? वो है सिल्वर। आगे नेक्स्ट आपने स्कीमिक डायग्राम बनानी है, जो आपने सर्किट को कैसे कनेक्ट करना है सीरीज में, वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है आपका कि रीड्रॉ करनी है वही डायग्राम जो फर्स्ट में आपने ड्रॉ की थी। उसमें उसने कहा है कि एक वोल्टेज लगा देना और एमीटर लगा देना है। वोल्ट मीटर आपने किसके साथ लगाना है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम। तो इसको किस कैसे कनेक्ट करना है? इसको एक सर्किट में लगाना है जिसमें हम उसका पहले तो सीरीज़ का वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, R1 + R2 + R3, फिर एमीटर की रीडिंग निकालेंगे, फिर बाद में वोल्ट मीटर की रीडिंग। एमीटर की कैसे निकालेंगे? जो आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट की थी तो उसकी वैल्यू पहले निकाल चुके हैं आप, तो वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, वो करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो एमीटर की रीडिंग आ गई। आगे क्या है? वोल्ट मीटर रीडिंग, तो वो आएगी IR3। R3 क्यों? क्योंकि R3 के साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था, तो हम R3 की वैल्यू के साथ करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने जज करना है इनमें से कौन सा जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जैसे आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला पहले पैरेलल का लिख लिया, तो फिर आपने उसको दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो आंसर आ गया आपका। दूसरे में क्या किया? तीनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक लैंप दिया हुआ है, आपको टोस्टर दिया हुआ है, वाटर फिल्टर दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस। तो इन तीनों को आपने कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में। तो वोल्ट वी की वैल्यू भी दी हुई है। पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे फिर करंट निकालेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि लास्ट लाइन में लिखा है व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। तो करंट कितनी वैल्यू आ जाएगी? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो उसे आप करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या है? आपने एडवांटेजेस निकाल बतानी है इलेक्ट्रिक सर्किट को या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू द सीरीज़। तो इसमें क्या है कि आप उसको पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हो कि सबकी जो वोल्टेज है वो सेम रहती है पर जो करंट है वो डिफरेंट रहता है सभी के लिए, और रेजिस्टेंस भी डिफरेंट रहती है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, इसमें जो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्या है कि उस सभी के लिए हम सभी अप्लाइंसिस के लिए हम डिफरेंट स्विच लगा सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में डिक्रीज़ होता है तो करंट अच्छी तरह से ज़्यादा फ्लो करेगा, ग्रेटर फ्लो करेगा। फिर चौथी बात क्या है कि कोई भी अप्लाइंस आपकी एक जो अप्लाइंस है तीन में से आपकी डैमेज हो जाती है तो आपकी दो बाकी अप्लाइंसिस वो चलेंगी, ठीक है, इसलिए हम उसको सभी को पैदर में लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है? थ्री रेजिस्टेंस आपने ऐसे कनेक्ट करनी है कि आपकी जो वैल्यू है एक की 4 ओम आए, तीनों को कनेक्ट करने के बाद एक वैल्यू आपकी 1 ओम आए। तो आपने क्या करना है कि पहले जो दो को लिया 1/3 और 1/6 कर दिया ना, एक 3 ओम ली और दूसरी 6 ओम, उनको पैदर में लगा दिया तो उसकी वैल्यू निकाल के बाद में जो आपका बची हुई थी 2 ओम उसको आपने उसके साथ सम कर दिया, पैदर उसको सीरीज में लगा दिया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट आपने क्या किया कि जो तीनों रेजिस्टेंस हैं तीनों को आपने पैदर में लगा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपने एक हाईएस्ट वैल्यू एक लोएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ कैसे आएगी? जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। और आपकी लोएस्ट वैल्यू कैसे आएगी? जब आप
पैदल में कनेक्ट करोगे। आगे क्या है कि जो कोर्ड है और हीटर है, हीटर जो है वो ग्लो करता है, कोर्ड जो है वो ग्लो नहीं करती, हीटिंग एलिमेंट जो है वो ग्लो करता है। वो कैसे कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है h=i²RT, उससे क्या होता है कि जो कोर्ड में जो हीट है वो स्मॉल रहती है और जो हीट लार्जर किस में रहती है, हीटिंग एलिमेंट में, हीटर के एलिमेंट में। तो क्या आएगा कि वो इसलिए वो ग्लो करेगा, दूसरा वो ग्लो नहीं करेगा कोड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हीट है वो जनरेट करती है जब वाइल्ड ट्रांसफरिंग द 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। आपने 1 आवर में उसको चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपके पास क्या वी की वैल्यू है, टी की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे कि जो एच का फार्मूला होता है वी आई टी, आई टी को आप कैसे चेंज कर देंगे क्यू में, आई की वैल्यू क्या होती है क्यू बाई टी, तो वहाँ से आप आई टी की वैल्यू निकाल लें क्यू, तो वी के साथ क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू एच की वैल्यू आ जाएगी हीटिंग हीट की। तो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है 20 ओम है और करंट है 5 एम्पियर, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका 30 सेकेंड्स का टाइम, तो वो आएगा h=i²RT। तो वहाँ से हम आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी। आप रेट कैसे निकाल सकते हैं, जहाँ पे एनर्जी डिलीवर होगी करंट को, वो होती है इलेक्ट्रिक पावर। आगे क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिक मोटर को 5 एम्पियर से कनेक्ट करेंगे और 220 जो वोल्टेज आप गिवन करेंगे, मतलब आपके पास पास आई की वैल्यू है और वी की वैल्यू है, तो आपने पावर की वैल्यू निकाल लेनी है p=vi। तो सेकंड आपको बोला है कि एनर्जी की वैल्यू निकालो 2 आवर्स में, तो जो पावर की वैल्यू आई है उसको उसके साथ टी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू जो है वो एनर्जी कंज्यूम की भी आ जाएगी। आगे है आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीस ऑफ द वायर है उसको रेजिस्टेंस आर है उसकी, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया है, तो क्या होएगा कि दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैदल, इसको पैदल में लगा दिया, तो फिर क्या होएगा इफ़ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन इज़ r-, देन द रेशो r/r- इज़, तो r/r- की रेशो क्या आएगी, पहले तो r- की निकालेंगे वैल्यू 1/r, मतलब जब पैदल में कनेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगी 5/r1, मतलब सभी की वैल्यू सेम है, इक्वल पार्ट में कनेक्ट किया है तो 5/r1 आ गया, तो r- की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r1/5, ठीक है। तो वो जब आप एक की वैल्यू आपकी r1/5 है, तो सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/5 के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर दो, r/25 आ गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो होती है i R², मतलब वी वी इन टू आई होती है ना, तो वी की जगह हम उसको चेंज कर देंगे, v=iR भर देंगे, तो वहाँ से i² R आ जाएगी, मतलब कि v² / R भी लिख सकते हैं उसको। तो आपकी यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है, एक तो गिवन है आपकी i² R गिवन है ना, एक i² R गिवन है, एक है i R², उन्होंने कहा है कौन सी टर्म नहीं रिप्रेजेंट करती, तो i R² नहीं रिप्रेजेंट करती है, vi भी रिप्रेजेंट करती है, v² R भी रिप्रेजेंट करती है और i² R भी रिप्रेजेंट करती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको हम जो वोल्टेज गिवन है उसको 220 वोल्ट गिवन है और वाट कितनी गिवन है, 100 वाट, तो उसने उसको आपने ऑपरेट किया है 110 वोल्ट के साथ, तो अब क्या पावर कितनी कंज्यूम होगी, पावर की वैल्यू हमने पढ़ी है vi और v²/R भी कर सकते हैं, तो वहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे v²/P, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम p की वैल्यू क्या होती है v²/R, जब हमने कितनी 110 वोल्ट जो है उसके साथ कनेक्ट कर दी, तो अपनी हमारी p- की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हमने दो वायर्स को, कंडक्टिंग वायर्स को हमने ऑफ सेम मटेरियल को इक्वल लेंथ में हमने काटा है और इक्वल डायमीटर में, तो उनको फर्स्ट को हमने कनेक्ट कर दिया, पहले उनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में, दूसरी बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पहले सीरीज की वैल्यू निकालेंगे, पैरेलल की वैल्यू निकालेंगे,
ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो जो रेशियो ऑफ द हीट आएगी वो कितनी आएगी, वहाँ से हम हीट की वैल्यू निकाल लेंगे। हीट की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, है ना, यही फार्मूला होता है ना, तो या फिर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला होता है, वहाँ से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हाउ इज़ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेयर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जब हम वोल्ट मीटर कैसे निकालेंगे, वोल्ट मीटर की जब उसको कनेक्ट कर दिया सर्किट में, तो वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट करते हैं हम पैदल में टू द सर्किट अक्रॉस दोज टू पॉइंट्स, जहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन विच इज़ टू बी मेयर्ड। आगे क्या है कि अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर गिवन है, कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ओम्स, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, कितनी लेंथ ऑफ द वायर होगी टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम, जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम होगा। आपको पता है रेजिस्टिविटी की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है कि जो रेजिस्टिविटी है उसके साथ हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एरिया के साथ, तो वहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू, डायमीटर की वैल्यू है, हम एरिया को डायमीटर में चेंज कर दें पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी पता है हमें 1.6 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 गिवन है क्वेश्चन में, तो वहाँ से हम एल की वैल्यू बस हमने निकालनी है, तो वो हम एल की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आगे क्या है, जब हम डबल कर देंगे डायमीटर तो तभी भी हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि गिवन वायर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के, तो वहाँ से हम आर डैश अपॉन आर निकालेंगे, तो ए अपॉन ए डैश आ जाएगा, तो वहाँ से आर डैश की वैल्यू जो है निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका 7th क्वेश्चन, उसमें आपको करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, वी अपॉन आई, तो वी ए माइनस वी बी और आई ए माइनस ई बी कर देंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे। आगे क्या है आपके पास, जो वोल्टेज गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में, तो करंट भी गिवन है, ठीक है, तो आपने निकालना क्या, रेजिस्टेंस, सिंपल आर का फार्मूला। नेक्स्ट क्या है, द बैटरी ऑफ 9 वोल्ट्स, ठीक है, आपको गिवन है, उसको कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, जिसमें रेजिस्टेंस गिवन है आपको 4 और आपके 5 गिवन है रेजिस्टेंसेस, ठीक है, तो आपने करंट फ्लो निकालना है किसके अकॉर्डिंग, किसके 12 ओम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो पहले तो आप वी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, तो पहले उनको सीरीज में कनेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद हमने आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस कर देंगे, तो जितनी आपका रेजिस्टेंस आई और वोल्टेज है आपके पास, तो करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आपने उसमें लिखना है, इन द सीरीज सर्किट द सेम करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस देन द करंट विल बी दैट द करंट, जितना करंट आपके पास आया है तो उतना ही 12 ओम के साथ आएगा। तो जब आपने पैलर में लगाया होता है सर्किट को, तो आप 12 ओम के साथ सीधा ही निकाल लेते उसकी जो आपका करंट आता है। आगे क्या है, हाउ मैनी 176 ओम्स रेजिस्टेंस, उसको कितने हमें रेजिस्टेंस इतने चाहिए होंगे इस ओम के, जिसको हम पैदल में कनेक्ट करेंगे, जिसके साथ करंट जो है 5 एम्पियर आएगा और जो वोल्टेज है वो 220 वी लाइन आएगा। तो कैसे निकालेंगे कि हम जो पैलर का फार्मूला लगा देंगे, हमें टोटल नहीं ना पता, तो हम वहाँ पे एन टाइम्स कर देंगे। तो वहाँ से हम आर पी की वैल्यू निकाल ली, तो फिर हमने वी इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला लगाया, आर पी की वैल्यू हमने निकाल ली है और वी अपॉन आई कर देंगे, वहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमने शो करना है कि जब आपने रेजिस्टेंसेस 3 रेजिस्टेंसेस निकाली हैं, उसको कनेक्ट किया है किस, जिसमें एक रेजिस्टेंस 6 ओम है, और उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करेंगे, 9 ओम के साथ या फिर 4 ओम के साथ। तो पहले जो तीनों रेजिस्टेंस है वो 6 ओम्स के बराबर है, ठीक है, तो उसका हमने क्या निकाल लेना है पैदर में आंसर, पैदर का फार्मूला लगा के आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो एक आया 3 ओम, जब उसको तीसरी के साथ हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिया तो उसका आंसर आ गया 9 ओम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जब 4 ओम कैसे निकालेंगे, तो 1/12 पहले आया था ना जो आंसर,
दोनों का हमने कंबाइन किया, तो अब पहले उसका सीरीज़ का निकाल दिया, 6 प्लस 6 आ गए ना दोनों रेजिस्टेंसेस, दो सीरीज़ में लगाए एक पैदल में लगा दिया, तो दो सीरीज़ में लगाए उसका 12 ओम आ गया, उन दोनों का एक जो कम्बिनेशन है और एक दूसरा लेफ्ट 1/6, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्या है कि आपने एक जो बल्ब लगाया है जिसकी जो वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट्स और 10 वाट पावर आपको गिवन है, तो फार्मूला पता है आपको पावर का क्या होता है, VI, वहाँ से आपने I की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर उसके बाद I की वैल्यू आपकी निकल आई 5 एम्पियर, तो वहाँ से हमने मैक्सिमम I मैक्सिमम निकालना है, N की वैल्यू निकालनी है, I मैक्सिमम अपॉन I कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आपके पास है हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, जिसको आपने कनेक्ट कर दिया है 220 वोल्ट्स के साथ, आपके पास हैं दो रेजिस्टेंसेस, ठीक है, दो रेजिस्टेंसेस आपके पास गिवन है ए एंड बी, जिसकी वैल्यू दोनों की सेम है 24 ओम्स, और आपने उसको सेपरेट कर दिया है, पहले तो उसको सीरीज में लगाएंगे फिर उसको पैरेलल में लगाएंगे, तो उसके करंट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को सेम कर दिया, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी अपॉन आर ए, जब सीरीज़ में लगाया तो 48 आ गया तो सीरीज़ वाली वैल्यू निकाल ली, जब हमने पैलर में लगाया तो 12 आ गया, हमने पैलर वाली वैल्यू निकाल ली। अब 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि कंपेयर करना है पावर को, कि जिसमें हमने यूज़ किया है 2 ओम का रेजिस्टेंसेस का, ठीक है, और हमने जब 6 वोल्ट बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में 1 और 2 ओम के साथ, और 4 वोल्ट बैटरी को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है पैदल में 12 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो पहले करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो ठीक है, फिर बाद में हमने क्या करना है पावर की वैल्यू निकाल लेंगे आई स्क्वायर आर, तो फिर बाद में हमने करंट की वैल्यू दूसरी बार निकालनी है 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ, पहले 1 ओम रेजिस्टेंस फिर 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ। फिर इसके बाद आता है 15th क्वेश्चन आपका, जिसमें है दो लैंप्स गिवन है आपको, ठीक है, जिसमें एक है उसकी वॉट है 100 वॉट और उसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और आगे है सेकंड का है 60 वॉट्स और 220 वोल्ट्स, उसको कनेक्ट कर दिया है पैदल में, तो आपने करंट की वैल्यू निकालनी है, पहले एक की वैल्यू निकाल लेंगे फिर दूसरी की निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, करंट की वैल्यू आ जाएगी टोटल सीरीज़ जो पैदल में आपके अरेंजमेंट किया है। नेक्स्ट क्या है, विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन सा जो आपका टीवी का सेट है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसमें 250 वॉट का एक टीवी है जिसको आपने 1 आवर चलाया है, और एक है टोस्टर आपका 1200 वॉट का और उसको आपने 10 मिनट्स के लिए चलाया है, तो एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पावर के साथ हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर के साथ हमने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे में भी हमने पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो टीवी जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा एज़ कम्पेयर टू द टोस्टर। आगे क्या है, जो आपने इलेक्ट्रिक हीटर लगाया है उसकी जो रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है, करंट भी आपको गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है, आपने रेट निकालना है, मतलब आपने क्या निकालना है हीटर की रेट, तो वो कैसे निकालेंगे, एच अपॉन टी, तो आपके पास आई स्केयर आर टी, आई आपको गिवन है 15 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है, और टी टाइम भी, टाइम आपने टाइम टी के साथ टी कट जाना है, तो आई स्केयर आर आ जाएगा, वहाँ से आपकी रेट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, वाई इज़ अ टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प्स, इलेक्ट्रिक लैम्प की फिलामेंट के लिए हमें टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंगस्टन जो है उसको हम इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए यूज़ करते हैं कि उसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज द ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ लोहे, ये आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं आप ऊपर, लोहे क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट
नॉट यूज फॉर द डोमेस्टिक सर्किट्स, ये भी आपको बता दिया था मैंने, क्योंकि जब पैरेलल में लगाएंगे तो आपका एक भी कोई भी अप्लाइंसेस डैमेज हो जाएगी, बाकी आपकी चलेंगी, जो आपने ऊपर सारे ये इसके एडवांटेजेस पैरेलल वाले एडवांटेजेस जो है पड़े थे। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरी विद द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, आपने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है कि रो एल अपॉन ए, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वायर की वेरी करेगी एरिया के साथ, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो एरिया कम होएगा, एरिया ज़्यादा होएगा तो रेजिस्टेंस कम होएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो वाई आर द कॉपर एंड अल्मीनियम वायर यूज्ड एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, कॉपर या फिर अल्मीनियम की वायर्स क्यों यूज़ की जाती हैं। वैसे तो कॉपर बहुत अच्छी वायर है और जो अल्मीनियम है वो थोड़ी सी हल्की होती है वायर, जो कॉपर की वायर है वो बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है, जिसमें जो रेजिस्टिविटी लो होती है, तो इसलिए ही हम यूज़ करते हैं टू मेक द वायर्स। थैंक यू।